312 है नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर इज, तो जो नेचुरल डिफेंस होता है कैंसर के अगेंस्ट वो क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। नेचुरल डिफेंस कैंसर के अगेंस्ट क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। तो आगे बड़ी सिंपल सी बातें हैं, कंसलमेंट बॉडीज जो होती हैं उसका सिनेरियो दिया हो तो एपोप्टोसिस सही है। कंसलमेंट बॉडीज सीन इन वायरल हेपेटाइटिस एंड येलो फीवर, इफ बोथ येलो फीवर एंड एपोप्टोसिस सिनेरियो चूज येलो फीवर। तो इसको कैसे याद रखना है, वायरल काउंसलिंग ऑफ एपी ऑन येलो फीवर, सही है, वायरल काउंसलिंग ऑफ एपी ऑन येलो फीवर। सो काउंसलमेंट बॉडीज जो हैं वो वायरल हेपेटाइटिस में भी होती हैं और येलो फीवर में भी होती हैं। ओके सर, अच्छा उसके बाद काउंसलमेंट बॉडीज इन येलो फीवर ऑल्सो एपोप्टोसिस, सो यू कैन चूज दैट सीक्वेंस जो भी मैंने बताया, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडियोथेरेपी डन श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसे क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। स्टेप इन एपोप्टोसिस इज एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस, कैस्पेसिस का कैस्केड होता है, उनकी एक्टिवेशन वगैरह होती है। प्रैक्टिस एम एमसीक्यूज, काउंसलमेंट बॉडीज एपोप्टोसिस में होती है ऑल्सो इन येलो फीवर, सही है। उसके बाद आ गया जी जॉइंटस है, रेज डी एल टी, एस्ट्रोलॉजी में काउंसलमेंट बॉडीज है तो ये एपोप्टोसिस होगा, सही है। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो, सही है, तो आपने येलो फीवर को प्रेफर करना है। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, वेरी प्रोग्रामेटिक डेथ होती है, प्रोग्राम्ड वाली डेथ होती है। सेल श्रिंकेज आफ्टर रेडियोथेरेपी इज ड्यू टू, तो सेल श्रिंकेज आफ्टर रेडियोथेरेपी जो होती है ये नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर जो है वो एपोप्टोसिस है, जो अभी हमने एमसीक्यू किया था। अब अगर सेल की श्रिंकेज जो है आफ्टर रेडियोथेरेपी इज ड्यू टू एपोप्टोसिस, सही है, ये सेल की श्रिंकेज की बात हो रही है, सही है, ना कि वो ट्यूमर की या कुछ इस तरह की। हाउ डज ट्यूमर रिग्रेस इन हार्मोनल थेरेपी, तो एपोप्टोसिस के थ्रू, सही है। अच्छा उसके बाद आता है जी आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर रिग्रेस, बाय कीमोथेरेपी के बाद जो ट्यूमर रिग्रेस होता है वो किस चीज़ से होता है, एपोप्टोसिस से। जो ऊपर था ना वो सेल श्रिंकेज था आफ्टर रेडियोथेरेपी, लेकिन रेडियोथेरेपी के बाद जो रिग्रेशन होता है ना ट्यूमर का, रेडियोथेरेपी के बाद जो रिग्रेशन होता है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से होता है, लेकिन सेल श्रिंकेज आफ्टर रेडियोथेरेपी जो होती है वो एपोप्टोसिस के थ्रू ही होती है, और कीमोथेरेपी के बाद जो ट्यूमर सेल्स का रिग्रेस होना ही एपोप्टोसिस से होता है। सर ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, कीप दीज इन योर माइंड। एपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोसप्रेसर्स, सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एपोप्टोसिस इज प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ सेल्स, ज़्यादा ये हजूम नहीं होने देता। What starts apoptosis? तो एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस, also remember well BCL2 and BCLX are anti-apoptotic. Okay, sir. जब कुछ ज़्यादा प्रो बन रहा होता है, ज़्यादा बातें कर रहा होता है, हम क्या कहते हैं, प्रो बस कर, बकना बस कर, बैक और बैक्स, बैक बी ए की बी ए के बैक और बी ए एक्स बैक्स, ये दो है प्रो एपोप्टोटिक, और एंटी एपोप्टोटिक हैं बी सी एल टू और बी सी एल एक्स, सही है सर। कैस्पेसिस आर इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। उसके बाद वुमन विद प्रोमायलोसाइटिक प्रेजेंट विद पिक्चर ऑफ काउंसलमेंट बॉडीज इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, तो मैकेनिज्म क्या होगा, एपोप्टोसिस। ब्लड फिल्म ऑफ पेशेंट एक्यूट प्रोमायलोसाइटिक ल्यूकेमिया, सही है। सेवरल सेल्स इन लार्ज हैविंग इररेगुलर आउटलाइंस कंटेन स्ट्रक्चर लेस इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म एंड मल्टीपल बेसोफिलिक होमोजेनस राउंड बॉडीज, तो व्हाट टाइप ऑफ सेल इंजरी यू सस्पेक्ट, दिस इज एपोप्टोसिस। इंपॉर्टेंट नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ नियोप्लेजिया इज, तो अगेंस्ट द नियोप्लेजिया क्या होता है, एपोप्टोसिस। पॉइंट नंबर 313 है, इन इंट्रावेस्कुलर डैमेज, सॉरी, व्हाट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद कोलेजन, तो डेट इज मोस्ट लार्जेस्ट फैक्टर। इंट्रावेस्कुलर डैमेज होगा तो मोस्ट लार्जेस्ट फैक्टर जो है डेट इज हेगमैन फैक्टर, सही है, फैक्टर 12, सही है, वो आएगा जी। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का फर्क याद रखना है कि इंट्रिंसिक कैसे होता है और एक्सट्रिंसिक कैसे होता है, सही है। तो इसको क्या याद रखना है कि 10-1 ये होते हैं कॉमन पाथवे में, फिर आ जाता है एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये क्या है, लार्जेस्ट पाथवे, दिस इज इंट्रिंसिक पाथवे, और ये छोटा सा पाथवे ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये जो इंट्रिंसिक पाथवे ना, ये फैक्टर नंबर 12 जिसे हेगमैन फैक्टर कहते हैं उससे शुरू होता है, और फैक्टर 12 से जब शुरू होता है, 12 के बाद क्या आता है, 11 के बाद 10 है, लेकिन 10 तो कॉमन में था, 10-1, तो 10 छोड़ दो, 11 के बाद 9, फिर 8, सही है। तो ये सारे हैं 8 तक, और नीचे 10-1 नीचे कॉमन पाथवे शुरू हो जाता है, ये है इंट्रिंसिक पाथवे। और टाइम टेकन बाय इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे टू कंप्लीट इज कॉल्ड एज APTT। ये लंबा पाथवे ना, तो वर्ड भी लंबा होगा, APTT, प्ले टेबल टेनिस, अंदर खेलते हैं ना, तो APTT। और टाइम टेकन बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे इज कॉल्ड PT, प्ले टेनिस, वो बाहर खेलते हैं। और PT जो है वो टिश्यू फैक्टर से शुरू होता है, और फिर फैक्टर 7, और फिर 10-1 कॉमन, सिंपल। ये छोटा एक्सट्रिंसिक, इसमें PT, प्ले टेनिस, और इंट्रिंसिक में APTT, सही है। टाइम टेकन बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे इज कॉल्ड प्ले टेनिस, PT, सही है सर। और अगर INR दिया हो तो INR इज ग्रेटर देन PT। तो ये तो दो तीन बातें जो है जो इंपॉर्टेंट मेज बेसिक कॉन्सेप्ट था।
इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे का डिफरेंशिएट करता है। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है बस सब एंडोथेलियल कोलेजन, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सही है, APTT यूज टू चेक इट इज मेजर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 फाइब्रिनोजेन। मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स आने हैं। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन एंड सिंथेसाइज इन लीवर एक्सेप्ट फैक्टर 4 और 8। 4 और 8 के अलावा बाकी सारे जो है वो प्रोटीन्स होते हैं और सिंथेसाइज होते हैं लीवर में। सही है सर। अच्छा, और वॉर जो है वो बाहर लड़ी जाती है ना, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसके साथ वॉरफरीन होगी 2, 7, 9, 10 के साथ होती है। और जो हेपरिन जो होती है मेक्स यू हैप्पी, तो हेपरिन जो होती है मेक्स द बेबी हैप्पी, तो इसलिए वो प्रेगनेंसी में ईजिली दे सकते हैं। सही है, वॉरफरीन नहीं दे सकते वरना वो तो जंग शुरू कर देगी। और वॉरफरीन एक्टिविटी को देखने के लिए हम INR इज ग्रेटर देन PT। अच्छा, विच अब MCQs कर रहे थे, विच क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी क्लॉटिंग एज वेल एज काइनिन सिस्टम, तो हेगमैन फैक्टर। सही है, लेसरेशन ऑफ गर्ल्स फिंगर विद व्हेन एक्सपोज इन कॉन्टैक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन काइनिन, तो कौन सा फैक्टर होगा, फैक्टर 12 हेगमैन फैक्टर। इंट्रावास्कुलर डैमेज में व्हाट विल कम फर्स्ट, फैक्टर 12 एंडोथेलियल सेल्स इनिशिएट इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन बाय एक्टिवेटिंग फैक्टर 12। फैक्टर 8 इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स। उसके बाद ऑन सिनेरियो देर वॉज ब्लीडिंग प्रोफाइल नॉर्मल एक्सेप्ट PT प्रोलॉन्ग विद फैक्टर डेफिशिएंट फैक्टर 7। क्रायो प्रेसिपिटेट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर फैक्टर 8 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन कोगुलेशन पाथवे इज, तो कोगुलेशन पाथवे में बेसिकली क्या होता है, फाइब्रिनोजिन जो होती है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली ये जो फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना होता है, फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी प्लेटलेट पैक का सेकेंडरी प्लेटलेट पैक में कन्वर्ट होना। सही है, अगर फिर भी डिटेल चाहिए तो इसी चैनल पे मेरा जो है ब्लड का एक लेक्चर अवेलेबल है लाइक हाफ एन आवर का, उसमें हर चीज़ क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है वो प्रेगनेंसी में डिक्रीज करता है। फाइब्रिन स्टेबलाइज्ड बाय, तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर विच इज कॉल्ड एज फैक्टर 13। सही है, वारफिन में व्हिच फैक्टर्स टू बी डिक्रीज फर्स्ट, तो वारफिन में फैक्टर 7। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स फॉर फैक्टर 9 इन इट्स डेफिशिएंसी, तो फैक्टर 9 को अगर मैं FFP का जो आखिरी पी है उसको उल्टा करूं तो वो बन जाता है 9। सही है, तो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी में आप क्या दे सकते हो, FFP, बिकॉज दे बोथ कैन रिप्लेस विद ईच अदर, रिप्लेस विद पी को उल्टा करो तो 9 बनता है। वेरी इजी टू रिमेंबर से। सही है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे कोगुलेशन मर्ज है, तो वो स्टुअर्ट फैक्टर पे मर्ज होते हैं फैक्टर 10 पे। फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन एंडोथेलियल इंजरी रिपेयर दैट इज प्लेटलेट।